जो जिसका नाम हरीश रावत था वो आए गांव गांव आया द्वार द्वार आया आया ही नहीं आया ये तो घटना आज आपका 12 पॉइंट की रिकवरी देने का काम कर रहा है सारे गांव को उसको गंगा में बहा दे तुमने मुझे जिताया के लोगों मुझे बता दो मैंने कभी आप की अपील करी भावुक हो गए आप भी भावुक हो गई कुछ चीजें पुरानी जो 2017 के चुनाव की हार है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई क्या करेंगे देखिए हरीश रावत जी ने अपनी बातें लोगों के सामने रखी हमारे लोग यहाँ पर हैं और सभी लोगों से जितने भी यहाँ आए थे हजारों की तादाद में लोग हरिद्वार ग्रामीण 35 के उनसे हमारा भावनात्मक लगाव है और कई वर्षों का है कुछ कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं कि व्यक्ति भावनाओं में हो जाता है और जब व्यक्ति बहुत ही दिल से किसी के लिए मन से सेवा करता है और उसका फल उस समय उस तरीके का नहीं मिल पाता तो कई बार हो जाता है तो हरीश रावत जी भी भावनाओं में बहे और उनको देख के कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ऐसी वो क्षण था कि मुझे भी वो चीज़ें याद आ गई और मैं भी बह गई 2017 का जो हार हुई है उसकी टीस अभी भी दिल में है कहीं नहीं नहीं हार और जीत का सवाल नहीं है बात यह है कि बहुत दिल से क्षेत्र के लिए कार्य किए थे कई ऐसे कार्य थे जो कि आप ये देखिए जब से लोग कहते हैं कि जब से आज़ाद हुए तब भी ये काम वहाँ पर नहीं हुए लेकिन जब उन लोग और कई ऐसी बातें हैं जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन अलग राज्यों में छेड़े लेकिन तब भी वो चीज़ें लोगों को प्राप्त हुई लेकिन हमने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया ये कि भाई मेन स्ट्रीम प्रोग्रेस से लोगों को यहाँ जोड़ा जा सके हिद्वा ग्रामीण के लेकिन रिजल्ट उस तरीके से उस समय नहीं आ पाए और हार का सामना करना पड़ा लेकिन ये चीज़ का वो नहीं है और लोगों को एहसास है आज किसी भी गांव में चले जाइए जो लोगों का आशीर्वाद है मैं ग्रामीण क्षेत्र रहा है और यहाँ पर 8-9 बजे उन्हें लोग विश्राम कर लेते हैं लेकिन हम 9:30 बजे भी एक गांव हर्षीवाला पहुँचे तो वहाँ जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनको जब पता चला कि मैं आई हूँ तो वो बड़े बुज़ुर्ग अपने बिस्तर से उठकर मुझे आशीर्वाद देने आया उन्होंने कहा बेटी तेरे को हम जिता के भेजेंगे और तो ये भावना है भावनाएं